सेंटर में जोन चला गया, किसी कॉर्नर में नहीं गया, तो बहुत सही हो सकता है। जोन सिर्फ 8 बीट के ऊपर प्रेफर किया, लेकिन कोई भी स्क्वाड बाहर है। एंड इधर टीम एक्स परितोष ने उधर ओमेगा का किल कंफर्म कर चुका है। 8 बीट के ऊपर जोन है, लेकिन 8 बीट के ऊपर चारों साइड से, लिटरली चारों साइड से पूछ आएगा, बोल सकते हो पांचों साइड से, क्योंकि पांच स्क्वाड 8 बीट के ऊपर पूछ करेगा धीरे धीरे करके। उधर से स्पार्क ने पूछ करना शुरू कर चुका, वेस आई थिंक जोन के अंदर आकर ले चुका है। स्काउट ने वहां पर डीपी से डोट को नॉक करके पूरा क्लियर आउट कर चुका है, लेकिन नाइट को भी स्पॉट कर चुका है। एंड यहां पर मैक्सिमस इसका स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए टीम स्पार्क के पास आ चुका है 6 किल्स तक भाई। बिल्कुल सही, पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात टीम स्पार्क का ओवेस यहाँ पे 2 किल ले चुका है। परितोष भी मुझे फील्ड पे काफी एक्टिव दिख रहा था, स्काउट यहाँ पे एक्टिव होते हुए, स्काउट हमेशा एक्टिविटी के साथ अपनी टीम को आगे ले जाता है, कैंपर करने वालों में से नहीं है, इन लोग आगे जाके मारना जानते हैं। यहाँ पे टीएक्स एक थोड़ा सा रिस्की स्पॉट लेते हुए आगे नहीं कोशिश, यहाँ फाइनल बॉस की स्पॉट देखिए, ये चाहे तो पूरे टीम एपिट को एक साथ हटा सकता है, एक साथ डेसिमेट कर सकता है, फिनिश ऑफ कर सकता है, पर वो अभी नहीं कर रहा, वो होल्ड करना चाह रहे हैं, अपने टीम को पोजिशन वाइज ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। मेगा स्टार्स 8 किल ले चुके हैं, अभी वो लोग फोर्थ पोजीशन पे भी अगर एलिमिनेट होते हैं तो अच्छे खासे पॉइंट्स हो जाएंगे। स्काउट आई थिंक प्लेन पे विंग पे उठ के वहां से हाई एंगल लेके नॉकआउट क्लियर आउट किया जा रहा है, अच्छे खासे टीम स्पार्क के पास भी आ जाएगा। आरजी से उधर सिर्फ डॉन बचे, वो अपने पर स्मोक कर चुका है। 8 बिट की टीम, वही बोल रहा था यहाँ 8 बिट जो पोजिशन पे थे सेंटर ऑफ द जोन एंड चारों साइड से पूछ आता, तो 8 बिट यहाँ पर फाइट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो उठ के किसी को स्प्रे करेगा एंड उस टाइम पे किसी और साइड से उसके ऊपर स्प्रे आ जाएगा, जो 8 बिट का बहुत ही सही डिसीजन था, लेट होल्ड कर रहा। एंड एश ने उधर स्काउट को नॉकआउट कर चुका है, वो इस कवर फायर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कवर फायर उतना कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि स्मोक ही स्मोक है सामने की तरफ, 8 बिट को स्पॉट करना लिटरली इंपॉसिबल है। अभी स्मोक हट चुका है, अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है 8 बिट को। डॉन जो है थक भाई, वो एक नेट से 8 बिट टेरन अभी को पूरा क्लियर आउट कर सकता है। एक्टली यही मैं बोल रहा हूँ कि टेड और रवि इतने रिस्की पोजीशन में है कि मुझे यहाँ पे देखे अभी पे स्प्रे आते हुए टेड लोग रश कर रहे हैं। एश ने यहाँ पे बहुत ही प्यारे नेट से ओवेस को कम्प्लीटली नॉक कर दिया। टेड रौनक ने वहाँ पे कवर पाया, में एश को ले गया, डॉन वहाँ पे अभी को ले गया, पर आई थिंक टेड यहाँ पे हील कर लेगा। अब पीछे से मेगा चाहे तो आके सारे टीम्स को थर्ड पार्टी करके काफी अच्छा सिचुएशन ला सकते हैं। हम आ चुके हैं लास्ट 3 टीम, 9 बंदे अभी बचे हैं, 2v1v3 का सिचुएशन है। ओवेस और स्काउट रिवाइव हो चुका है, ओवेस भी यहाँ पे रिवाइव हो जाएगा। अब हमें देखना होगा कि मेगा टीएक्स और 8 बिट, पर यहाँ पे सबसे बढ़िया बात टीएक्स के पास फुल स्क्वाड अभी भी अलाइव है, सबसे बड़ी बात। एंड रौनक वहाँ पे अभी को नॉक करते हुए तो 8 बिट स्टेज के ऊपर आ चुका है। एश का किल पीछे से मेगा से अभी ने निकाल चुका है, परितोष फ्री फायर मारा अभी के ऊपर, लेकिन स्पॉट तो सही से कर नहीं पाया। 8 बिट का टीम यहाँ पर थर्ड पोजीशन में एलिमिनेट होते हैं। रौनक ने यहाँ पर बहुत ही प्यारा से 8 बिट स्टेज को क्लियर करते 10 किल आ चुका है। टीम बहुत ऊपर डाउन करते हुए जाते हुए फाइनल बॉस पर बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने टीम के लिए निकालते हुए रौनक यहाँ पे फिनिश हो गया, यहाँ पे स्काउट आएगा फाइनल बॉस को फिनिश करते हुए। टीम एक्स पार्क यहाँ पे एक चिकन डिनर निकालते हुए विद अराउंड 12 किल्स, यहाँ पे मेगा के पास 10 किल, 8 बिट के पास